लुइजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार कर भारत को सौंपा गया था, जो भारतीयों ने अंगीकार कर स्वीकार किया। के दिन संविधान दिवस के रूप में आरोन में डॉक्टर अंबेडकर पार्क में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें आरोन अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ नाजी के तत्वाधान में मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित अजाक्स के ब्लॉक अध्यक्ष ब्रह्मदास सिंह सूर्यवंशी ने संबोधित किया एवं संविधान के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन नाजी के ब्लॉक अध्यक्ष नीरज बाबू ने किया। इस मौके पर नाजी जिला अध्यक्ष एनएस अहिरवार मुख्य रूप से उपस्थित रहे और संविधान पर अपने विचार रखे। आजाद वाहिनी की ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती फूल कुमारी जाटव, किरण लता अहिरवार एवं समस्त नाजी संघ के सभी छात्र उपस्थित रहे। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। गोपालपुरा में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते लगाई फांसी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कैंट थाना क्षेत्र के गोपालपुरा में ओम प्रकाश लोधा ने अपने घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शाम को जब उसका भाई घर पर आया तो उसने देखा कि दरवाजा बंद है। दरवाजा जब खुलवाया गया तो देखा कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, साथ ही में शराब की कई खाली बोतलें भी पड़ी मिली। बताया जा रहा है कि मृतक शराब पीने का आदी था। युवक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। कुछ नहीं, वो फांसी वाला मामला ये थाना कैंट क्षेत्र के अंतर्गत कैंट गोपालपुरा मोहल्ला है। वहाँ कल 12-1 बजे के बीच में एक ओम प्रकाश लोधा नाम के व्यक्ति ने अंदर से किवाड़ बंद करके साकल लगा के फांसी लगा ली है। शाम के जब उनके भाई ने देखा कि ये कमरे के अंदर है और निकला नहीं है, कुंडी लगी थी, पुलिस को सूचना दी। आज हम जैसी रात में पता लगा, सुबह हम अभी देखा तो किवाड़ को खुलवा के देखा तो वो जो है घर की बल्ली से रस्सी से फांसी लगाए लटका मिला है। प्रथम दृष्टया उसने सुसाइड किया है और नशे का आदि था, काफ़ी मात्रा में अंदर शराब की बातें मिली हैं, इससे लग रहा था कि ये काफ़ी मात्रा में शराब का सेवन करता है। दृष्टया इसकी फांसी आत्महत्या करना पाया गया है, फिर भी जांच की जाएगी कि क्यों फांसी लगाई है। इसमें गहराई से जांच करके जो भी तथ्य होंगे कार्रवाई करें। नगर पालिका परिषद गुना ने आज शहर में अवरुद्ध हो रहे यातायात को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई में हनुमान चौराहे से लेकर नाना खेड़ी मंडी गेट तक अतिक्रमण हटाया गया, साथ ही कॉलेज रोड का भी अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे इसलिए SDM दिनेश चंद्र शुक्ला मौके पर मौजूद रहे। Oh!
ये अतिक्रमण नगर पालिका जो है यहाँ पर सड़क में बहुत इंक्रोचमेंट हो गया था, यातायात बहुत बाधित हो रहा था, तो नगर पालिका परिषद इसको हटा रही है और हम कानून और व्यवस्था के सुधार के लिए मैं यहाँ पर। लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के तहत आज एक परिचर्चा का आयोजन शहर में किया गया। यह आयोजन शहर की अग्रवाल धर्मशाला में किया गया। इसमें शहर भर के विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस परिचर्चा का मकसद यह था कि जिस तरह से आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर इस परिचर्चा में बातचीत की गई। आयोजकों का कहना है कि यह पहली परिचर्चा है और इसके बाद लगातार इस तरह की परिचर्चा आयोजित की जाएंगी। सत्ता पक्ष के पक्ष में ले आना, ये जो घटनाएं लगातार हो रही है ये बहुत खतरनाक है, बेहद खतरनाक है। इसलिए सारे विषयों पर चर्चा बातचीत की। इस लोकतंत्र की स्थापना में राजनीतिक रूप से नहीं कह रहा, महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक आंदोलन किया, एक जन जागरण के माध्यम से लोगों को जोड़ा। उस जमाने में जोड़ा जब कोई संचार क्रांति के साधन नहीं थे, तब पूरा हिंदुस्तान उनके साथ हुआ। देश में आजादी आई, शासन किसने किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शासन करने वाले लोगों ने किन विचारधाराओं को आश्रय दिया। हमारे देश में आज जो लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र ये होता है कि भारत के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। सभी का राहत इंदौरी ने कहा है कि अगर खिलाफ है तो हो जाने को, जान छोड़ी है, ये सब हुआ है, आसमान छोड़ी है। आज लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का पहला कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। मंच का गठन अभी किया गया था जिसमें समान विचार वाले साथी इस मंच में शामिल हैं, जिसमें समसामयिक मुद्दों पर चर्चा बातचीत के लिए मंच बनाया गया है, जिसमें जीएसटी के दुष्प्रभाव या जीएसटी से क्या फ़ायदा हुआ सरकार जो बिना रही है उन पर परिचर्चा आयोजित की जाएगी। नोटबंदी से क्या हासिल हुआ, हालांकि लोग कह रहे हैं नोटबंदी में 125 से ज़्यादा लोग मारे गए, कितना काला धन आया, आज इन सारे विषयों पर बातचीत के लिए मंच बनाया गया। लेकिन आज जो चर्चा हो रही है, आज हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26/11 को, आज इसलिए संविधान दिवस पर भी हमने ये परिचर्चा का आयोजन किया गया है। हमारा कहना है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से अगर होंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर इस ढंग के चुनाव हुए तोड़ा फोड़ा गया, यहाँ तक कि मैनिपुलेट किया गया, इससे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। इसीलिए लोकतंत्र बचाने की मुहिम में शहर के लोग बिना किसी पार्टी झंडे के लोकतंत्र बचाओ आंदोलन में आज शामिल हुए। हृदय रोग एवं अस्थि रोगों से संबंधित निशुल्क शिविर का आयोजन जैन दिगंबर सोशल ग्रुप द्वारा किया गया। इस शिविर में शेल्बी हॉस्पिटल द्वारा आए हुए विशेषज्ञों ने बच्चों का इलाज किया। हड्डी के
पूरे 9 महीने में देख रहे हैं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप वर्धमान द्वारा शेल्वी हॉस्पिटल के तत्वाधान में यहां पर एक मेडिकल कैंप मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें हृदय एवं हड्डी एवं बच्चों की हड्डी संबंधित बीमारियों का यहां पर जांच हो रही है। ये जांच पूरी तरह निःशुल्क है। शेल्वी हॉस्पिटल से पधारे हुए सभी डॉक्टर जज्जी बस स्टैंड स्थित बना प्याऊ इस समय सूखे की गगार पर है। बता दें कि जज्जी बस स्टैंड के बाहर लोगों की प्यास बुझाने के लिए मटकानुमा प्याऊ तैयार किया गया था, जो पिछले 1 महीने से खाली पड़ा है। आसपास के दुकान वालों का कहना है कि कई बार प्रयास करने के बाद भी नगर पालिका से कोई व्यक्ति यहां नहीं आया और न ही इस मटके को भरा जा रहा है। हालांकि इस मटके को पानी से भरने के लिए ट्यूबवेल से भी कनेक्शन दिया गया था, लेकिन पानी कम होने की वजह से इस मटके में पानी नहीं भर पा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या नगरपालिका अध्यक्ष इस ओर ध्यान देते हैं या नहीं। नगरपालिका की तरफ से टैंकर मंगवा के भी तो भरवा सकते हैं इसको, 2 टैंकर में पूरा मटका भर जाता है। ट्यूबवेल का अटैच तो है, इसमें 2 कनेक्शन है, पर उसमें क्या है, तो वाटर लेवल ही डाउन हो गया। ट्यूबवेल का तो कोई रोल ही नहीं है उसमें। एक समस्या है साहब, मटका खाली पड़ा हुआ है, अध्यक्ष साहब को फोन लगा दे, फोन अध्यक्ष साहब उठाते नहीं है। फोन के लिए वो कहते हैं कभी टैंकर भेजा रहा हूँ तो कभी आ रहा है, इसमें पानी है नहीं है, तो पानी नहीं है इसमें, ना तो कोई सुनता है ना पानी चालू होता है। कांग्रेस के गढ़ राधोगढ़ में बीजेपी की सेंध। आगामी नगरपालिका चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत ही बुरी क्षति है। सुरेंद्र सिंह राजपूत के सभी परिवार के 62 सदस्यों ने भाजपा में सम्मिलित हुए। साथ ही पार्टी को यह विश्वास दिलाया कि वो और उनका परिवार पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ पार्टी का कार्य करेंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय सांसद रोडमल नागर, चाचौड़ा की विधायक ममता मीना एवं जिलाध्यक्ष राधेश्याम पारिक उपस्थित रहे। उन्होंने गीताबाई सुरेंद्र सिंह राजपूत सहित सभी 62 सदस्यों को तिलक लगाकर एवं माल्यार्पण कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित किया। पूजन के पश्चात उर्मिला राजपूत जी से मेरा अनुरोध है कि वो भी आज मंत्र पदा वीरेंद्र सिंह राजपूत जी से मेरा अनुरोध है वो भी मंच पर आ जाए। राघोगढ़ में नगर पालिका में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो विकास की लाइन लग जाएगी। अभी तक कांग्रेस पार्टी की सरकार होती आई थी, लेकिन आज एक पार्षद जाने से एक पार्षद नहीं गया। भले ही एक छोटा सा आदमी गया, लेकिन बहुत बड़ी तकलीफ है। एक एक दबाव आ रहा है, डेली फोन आ रहा है, कई लोग उनके आते हैं, अरे भाई क्या कर रहे हो, क्यों जा रहे हो। इसलिए हमने एक बार कह दिया था कि नहीं, हम बिल्कुल हमारे बातों से नहीं बदलेंगे, तो हमने आज वही किया है। और इसी स्वागत से आप सभी का सम्मान करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर से पाना खाकर ही अपना अपने स्थान की तरफ रवाना होंगे। आपसे विशेष निवेदन करता हूँ, धन्यवाद। मित्रों, देना है दुरुस्त आए, लेकिन समय से आ गए और हमें कुछ समझ में आया। जो नहीं आया और जिनको समझ में नहीं आया, उन लोगों को हमें समझाना, महसूस कराना है, बताना है,
याद दिलाना है किन बातों की, उनको कहना है, उनको महसूस कराना है। बहन जी आपकी बात सुनकर के ही आएंगे। इस समय इस देश में नहीं सारी दुनिया में कोई बात हवा में नहीं करते, हम कल्पना करके लोगों को बताते नहीं, हम हकीकत कहते हैं जो हकीकत होती है। सारी दुनिया में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान में नहीं सारे दुनिया में उनका डंका बज रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोगों के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। सारे देश में वातावरण है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। इस देश के अंदर केवल एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो हर व्यक्ति का भला कर सकती है। और इसलिए जब लोगों को जब समझ में आता है, तब समझ में आया, आज वो आए, उनका स्वागत है, बिल्कुल बढ़ेगा, लगातार सतत क्रम है, चलता रहेगा। कांग्रेस मुक्त करना है, कांग्रेस मुक्त होना है, तो है हमने दरवाजे नहीं है हमारे। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। आरुण नगर में युवा मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित की गई एक बैठक, जिसमें राधोगढ़ तारक दिनेश भार्गव, वरिष्ठ नेता अध्यक्ष भगवत सिंह रघुवंशी, महामंत्री पहलवान सिंह रघुवंशी, तहसील युवा मोर्चा अध्यक्ष राजू यादव सम्मिलित हुए। इस अवसर पर जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष सुशील दहिफले ने कहा कि हम सबको जमीनी स्तर पर काम करना है एवं मिलजुल कर रहना है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का मुंह देखना है। भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में परीक्षा आयोजित करना होगा, जिसमें क्षेत्रीय छात्र छात्राओं को भाग लेना होगा। सभी जिला तहसील के कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाहर से पधारे हुए सम्माननीय जिलाध्यक्ष श्री सुशील जी दहिपले जी और उनके साथ सभी जिला पदाधिकारीगण एवं मंडल अध्यक्ष आरुण, विधानसभा विस्तारक जी, मंडल के प्रभारी जी, उपस्थित सभी कार्यकर्तागण, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विधानसभा के विस्तारक जी, मंडल अध्यक्ष जी और नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हमारे आदरणीय मुनीश जी, पहलवान जी, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि पंडित दीनदयाल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत समारंभ करें। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। श्री रामचरित्र मानस एवं गौ संरक्षण प्रचार समिति के तत्वाधान में आयोजित की गई एक संगोष्ठी, जिसमें वरिष्ठ समाज सेवियों द्वारा बताया गया कि बुराई जैसे दहेज प्रथा का विरोध किया जाना चाहिए, खर्चीली शादियां बंद होना चाहिए, युवा पीढ़ी को संस्कारवार बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, युवा पीढ़ी को शादी विवाह एवं पार्टियों में जीवन में कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, नशों से दूर रहना चाहिए, गौ माता की रक्षा करना चाहिए। गौ माता की रक्षा करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, राष्ट्र की सेवा सुरक्षा भी हमारा कर्तव्य है। लगाने की कृपा करें ताकि हम सब लोग वरमाला जब मिले और अपन सब लोग पूरे हैं, उसके बाद में अपन कोई भी राइफल वगैरह ना लाए ना उसका प्रयोग करें। हम इससे कोई भी नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन बन भाई भाई चौपाई बोले फिर उसका हाथ का टाइम भी ज्यादा खराब होता है। मेरे इसका उद्देश्य मूल वो यही है कि ये बच्चियां बैठी हैं, बच्चे हमारे युवा वर्ग बैठा हुआ है, उसको आधे से जोड़ना। कई बार दिखाई दे ये बच्ची बैठी है यहाँ पे, ये क्या नाम था, नैन्सी चक्रोली भाई, इसमें एक तो अगर मैंने और भी सुना है दूसरे गाँव में भी, तो हम सब उसका उदाहरण ले। हारोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश अग्रवंशी की रिपोर्ट। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।